नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज अपन बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे तो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा बिल्कुल शॉर्टली तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिनेश मौर्य बोलते हैं, सर मैं दिनेश मैं एग्रीकल्चर में आया था, 6 महीने बाद में भाग गया था, अब मैं इलीगल हूँ, घर जा सकता हूँ क्या? 7 महीने हुए हैं। देखिए भाई, एग्रीकल्चर में आए थे इसका मतलब आपका 2 साल का अग्रीमेंट था, आपने 7 महीने बाद 6 महीने बाद कंपनी छोड़ के फरार हो गए, ठीक है। पासपोर्ट आपके पास नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके पास पासपोर्ट है, तो कैसे निकलोगे? आपका तो स्पेशल पास भी नहीं लगेगा, क्यों? आपका वीज़ा शो कर रहा है, तो कैसे निकलोगे भैया? दिक्कत आएगी आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस गए। मैंने यार कितने बार वीडियो में बोला कि भैया भागे ना, आप भाग गए तो क्या मतलब हुआ यार? इससे तो बढ़िया ढाई से तीन हज़ार रिंगिट दे के अपना पासपोर्ट ले, आराम से घर आ सकते थे आप। अब कहाँ काम करोगे तो दिक्कत है आपको, स्पेशल पास भी आपको नहीं मिल सकेगा, आउट पास अभी बंद है, तो अभी आपका कोई समाधान नहीं है भाई। इंडियन हिंदुस्तान बोलते हैं, सर मैं मलेशिया से डिपोर्ट हो गया था 1 जनवरी 2019 को, टूरिस्ट वीज़ा में गया था, मुझे फिर से जाना है मलेशिया, तो कैसे जा सकता हूँ? हैव पॉसिबल प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल भाई, एक बार डिपोर्ट होने का क्या मतलब? आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की, डिपोर्ट हुए हो तो कोई ना कोई कमी रही होगी, बिल्कुल आप दोबारा से जा सकते हो। बाकी दूसरी बात देखो, आपका स्टेटस देखो, अगर आप उस लाइक हो कि टूरिज्म, आप अगले शामली को आप इमिग्रेशन को शो कर सको कि मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, या फिर काउंटर से कर लो। आजकल तो आपको पता है मलेशिया का, तो जो आप जिसके थ्रू जा रहे हो वो आपको काउंटर देगा, तो आराम से पॉसिबल है निकलना, कोई इतना कोई आसान अभी तो इजी है, कोई हार्डली नहीं है, अभी बंदे निकल रहे हैं, इतना डिपोर्ट वाला चक्कर नहीं है, तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। पंकज शर्मा जी बोलते हैं, अशोक सर नमस्कार, मैं मलेशिया से कुवैत या कतर कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, प्लीज़ अपडेट मी। भैया मलेशिया से कतर या कुवैत क्या कोई भी कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास इतना पावर नहीं है कि वहाँ एक कंट्री में जाके दूसरी कंट्री अप्लाई कर दें। हाँ, अगर आप विजिट में गए हो घूमने के लिए और घूमने का ही आगे वीज़ा चाहते हो, वो बिल्कुल मिल सकता है आपको, लेकिन आप परमिट में मलेशिया में आप जॉब कर रहे हो और वहाँ से वर्क परमिट लेना चाहते हो, वो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर कोई बोलता है तो इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मगनलाल सिंह संतरा बोलते हैं, सर प्लीज़ बताइए मलेशिया का सर्विस सेक्टर का वीज़ा कितने रुपए में लगता है, हेड रेसर का काम कर सकते हैं क्या सर, प्लीज़ बताइए। भैया हेड रेसर का बिल्कुल सर्विस सेक्टर में ये आता है, तो आप बिल्कुल ये जॉब मिल सकता है हेड, लेकिन मैं बता दूं हेड रेसर का वीज़ा सबसे सस्ता मिलता है मलेशिया में, लाख रुपये के अंडर अंडर ये वीज़ा आपको मिल सकता है, 2 साल का, इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं, 3 साल तक होता है वैसे ये। शोभित मिश्रा जी बोलते हैं, सर मलेशिया में रूम रेंट कितने तक मिल सकता है मंथली, बताइए। देखिए भाई, रूम रेंट तो मलेशिया की क्या यार, वो तो कोई कंट्री हो कंडीशन के हिसाब से तय करता है। आप मेन सिटी में लोगे तो एक रूम का 1000 रिंगिट भी महीना लग जाता है, 500 भी लग जाता है। आउट में लोगे जैसे केएल है आपका, केएल से 50 किलोमीटर लोग बाहर रहते हैं, 30 किलोमीटर बाहर रहते हैं, उनको 500-600 में पूरा फ्लैट ही मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिंगल रूम लेते हो सिटी से बाहर, तो 200-250 रिंगिट में आपको रूम मिल सकता है। और भैया कमेंट ना करें, कमेंट करने वाले बहुत होते हैं यार इस बात का, क्योंकि एग्जिट किसी का नहीं होता। कोई बोलेंगे सर 300 मिलता है, आप झूठ बोल रहे हो, 200 में मिलता है भाई, वो कंडीशन के हिसाब से तय होता है। केएल मेन राजधानी, आप इंडिया में बात करें तो दिल्ली में रूम लोगे तो भैया एक रूम का 10,000 लगेगा, वही रूम जयपुर में लो आपको 6,000 में मिल जाएगा। हमारे मतलब जैसे जैसे स्तर डाउन होता रहेगा सस्ता मिलता रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। बाकी थोड़ा सा बाहर अगर लोगे तो 200-250 रुपये में आपको रूम मिल सकता है। मोहम्मद इजाद बोलते हैं, सर मैं मलेशिया जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, तो बताइए वीज़ा वर्क परमिट कैसे लेना पड़ेगा, और सब इंडिया से लेकर मलेशिया तक कितना खर्चा आएगा, टोटल काम अभी कितना चलेगा? भाई देखिए, आप विदेश जाना चाहते हैं तो परमिट तो मिली, वीज़ा तो मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे एजेंट या अच्छी एजेंसी हो तो उनके थ्रू आप मेडिकल करवाइए, फिर वीज़ा अप्लाई करवाइए, BPA VDR वगैरह लेंगे, आपका खर्चा हो जाएगा। वो वीज़ा के हिसाब से तय होगा कि आपका कौन सा वीज़ा लोगे, 1 से 1.5 लाख में 2-3 तरह के वीज़ा आपको मिल जाते हैं। कोमल शर्मा बोलती हैं, सर मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, अगर मुझे 5 साल हो चुका है कंपनी में और 1 साल बाकी है वीज़ा एक्सपायर होने में, तो क्या मैं 5 साल में री सिंगिंग देकर जा सकती हूँ, कंपनी को चार्ज तो नहीं काटेगी? कोमल जी, पहली बात तो ये कि आपका 5 साल का वीज़ा कौन सा होता है, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने कंट्री का नाम नहीं लिखा। अगर आप गल्फ में होते तो 2 साल का होता है, उसके बाद 2 साल का, ठीक है, और मलेशिया में भी 3 साल का अग्रीमेंट होता है, 2 साल का होता है, तो पता नहीं आपने कौन सा लिखा, मुझे समझ में नहीं आता। बाकी 5 साल में 4 साल आपने भर लिए, आप बीच में आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चार्ज कटेगा। हाँ, आपको 1 साल के लिए मतलब कंपनी स्टॉप कर देती है या फिर एग्जिट नहीं देती, वो एक अलग होता है, तनख्वाह काट लेती है 1 महीने की, वो एक कई कंडीशन हो जाती है। बाकी आपको कंपनी ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपका 1 साल का चार्ज काट के घर भेज देगी, आप आ सकते हो। बाकी अगर कंट्री का नाम लिख देता तो आसानी हो जाती बताने में। अक्षय कुमार मौर्य बोलते हैं, सर जी फेल्डा से भागा है वो लीगल हो सकता है क्या पासपोर्ट है? भैया फेल्डा से भागे हुए बंदे कैसे लीगल हो जाएंगे यार? आपका तो पासपोर्ट में वीज़ा ऑनलाइन शो कर रहा है ना। मान लीजिए पासपोर्ट आपके पास है, आप इमिग्रेशन में जाओगे तो भी दिक्कत आएगी, पहले से वीज़ा शो कर रहा है तो वो कंपनी को सूचना करेंगे। दूसरी बात,
कि आपका वीजा दूसरा नहीं लग सकता, क्यों? पहले वाला वीजा ऑलरेडी है तो दूसरा कैसे लग सकता है? एक पासपोर्ट में दो वीजा ऑनलाइन एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो वीजा एक्सपायर होने के बाद ही दूसरा वीजा लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। ठीक है भाई। और दूसरी बात, वहां तो मतलब ही नहीं है आपको, इंडिया आके फिर अगर ट्राई करते तो फिर भी आसानी होती। आगे एक भाई बोलते हैं, संत्य भगत बोलते हैं, सर मलेशिया से प्लम्बर वीजा नहीं मिलता इलीगल वर्कर को, प्लीज सर बताना मिलेगा? मेरे पास दुबई का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लम्बर का। भाई एक्सपीरियंस का कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस क्या है, आपको काम आता है। अगर आप मलेशिया में इलीगल वर्कर हो तो आप ढूंढ लीजिए, प्लम्बर का काम मिल जाता है। अगर आप इंडिया से वहाँ जाना चाहते हो तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई वीज़ा लीजिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो आराम से जॉब मिल जाएगा, इतना बड़ा कोई इश्यू इसमें नहीं है। हैप्पी सर्वर बोलते हैं, सर मेरा एक सवाल है, 3 महीने के लिए मेडिकल अनफिट आदमी जा सकते हैं क्या काम करने के लिए टूरिज्म वीज़ा पे? प्लीज आंसर। देखिए भाई, टूरिस्ट वीज़ा ही नाम ही टूरिस्ट है, घूमने के लिए। आप घूमने के लिए वहाँ पे जा सकते हो, हाँ काम करो, आपका कोई जान पहचान है, किसी के साथ काम करते हो, 3 महीने करके वापस हो जाओ, वो इलीगल तरीके से आप कर सकते हो। वैसे लीगल हो, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वीज़ा है, टिकट है, और आप काम करो, वापस आ जाओ। बाकी टूरिस्ट वीज़ा से आप जॉब तो नहीं कर सकते ना, वो तो घूमने का वीज़ा होता है। बसत कुमार जी बोलते हैं, सर मलेशिया का आज़ाद वीज़ा में कितना खर्चा आएगा? एक बार उन पे वीडियो, भैया बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं, मलेशिया का आज़ाद वीज़ा 1.5 लाख के अंडर अंडर आपको मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है भाई। आगे कुरुक्षेत्र खाटू श्याम बोलते हैं, सर बाबूजी नमस्कार, मेरा आपसे एक सवाल है, मलेशिया का वर्क वीज़ा ओरिजिनल है फेक कैसे जाने? भैया मलेशिया का ओरिजिनल वीज़ा वेबसाइट पे चेक करो ना, ई सर्विस इमिग्रेशन लगा लोगे मलेशिया का, तो जितना जिस प्रकार का आपका वीज़ा उसी कैटेगरी में डाल के उसको सर्च कर लो। मलेशिया के अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा हैं, सबकी अलग अलग साइट होती है, तो आराम से चेक हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। विक्रम गिल बोलते हैं, सर नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, पहले भी मलेशिया में था, 4 साल काम किया, विजिट वीज़ा पे गया था, अब काउंटर सेटिंग से मैं इंडिया आ गया हूँ जी। मेरी गर्लफ्रेंड मलेशिया में है, उसको शादी करना चाहता हूँ, अगर मैं विजिट वीज़ा पे जाके शादी कर लेता हूँ, मेरी एंट्री ख़त्म होने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? भैया देखिए, आप विजिट वीज़ा में जाके शादी करोगे, ठीक है, शादी करते आपको नागरिकता वहाँ की तो नहीं मिल जाती, पीआर तो आपको नहीं मिल जाता वहाँ के, पीएम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप शादी हो गए या मलेशिया के जवाई बन गए तो यहीं रहो, इम्पॉसिबल है। जिस दिन आपकी एंट्री ख़त्म, आप इलीगल हो जाओगे, आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आपको 3 महीने का वीज़ा लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 महीने तक आराम से रुको, फिर आप उसको एक्सटेंड करवा लेना, 25-26 दिन 28 दिन का एक्सटेंड हो जाएगा, तो पुणे 2 महीने, 2 महीने में तो आराम से जितनी मर्जी शादी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरह से आप जा सकते हो। लेकिन इलीगल मत होना भैया, इलीगल होते ही आपका पत्ता साफ हो जाएगा, फिर स्पेशल पास भी लगना मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो साथी, ये मलेशिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे, मैंने वीडियो में आंसर देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज़ ऐसे टॉपिक पे नए नए मैं टॉपिक पे वीडियो डालता रहता हूँ, जिससे आपको भविष्य में जब भी आप मलेशिया से रिलेटेड जाएँ तो ये वीडियो आपके साथ काम आ सके, धोखाधड़ी का शिकारों से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।